और भाजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान और सीएम हेमंत बिस्वा सरमा को झारखंड का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा सरमा भाजपा के बड़े राजनीतिक चाणक्य और संगठनकर्ता माने जाते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में झारखंड की 12 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा को विजय प्राप्त हुई है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चिंता का विषय है। इस पर राष्ट्रीय समानता दल के झारखंड प्रदेश प्रभारी कुमुद कुशवाहा ने कहा कि निश्चित तौर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने नकारा है और विधानसभा में भी चाहे प्रभारी किसी को भी बनाया जाए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी। लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां लग गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के नेताओं पर विश्वास ना दिखा के केंद्र से मंत्रियों को जिम्मेवारी दिया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है कि शिवराज सिंह और हेमंत बिस्व सरमा जो मुख्यमंत्री हैं, इनको झारखंड में आने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक व्यापम घोटाला का मास्टरमाइंड पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है। दूसरे कांग्रेस से लूटा हुआ, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाया, वैसे व्यक्ति को झारखंड का प्रभारी बनाना और खासकर झारखंड के जो नेताओं को भाजपा दरकिनार कर रही है, इसलिए यहाँ कोई सफलता कितनों भी आ जाए कोई सफलता हासिल होने वाला नहीं है। चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा जैसे सीनियर लीडर हो झारखंड का, तो झारखंड के जो लीडर है उनके साथ ये अनप्रेडिक्टेबल बात।